हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं ब्रेड का बहुत ही टेस्टी सा नाश्ता। ऐसे आप ब्रेड पकौड़े भी कह सकते हैं, स्लाइस कह सकते हैं, लेकिन आज जो आपको ब्रेड पकौड़े का स्वाद मिलने वाला है और आज जिस तरीके से हम इसे बनाने वाले हैं, वैसा तरीका आपने न कभी देखा होगा और न कभी खाया होगा। ये बेहद ज़्यादा स्वादिष्ट है। इसकी सबसे खास बात है कि बहुत ही कम तेल में ये बनकर तैयार हो गया है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना बहुत ही टेस्टी एकदम स्पेशल सी ब्रेड की रेसिपी। बहुत कम समय में ये बन के तैयार हो जाती है। इसके लिए यहाँ पे हमने लिया है बॉईल आलू, और ये आलू को हम छिलके के साथ में बॉईल किए हुए हैं। अब इसके छिलके को हम अलग करेंगे और इसके बाद इसको मैश करके इसका चोखा तैयार करेंगे, और उसके बाद हम इसे भून के इसके मसाले तैयार करेंगे। कढ़ाई में हम 2 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाल दिए हैं, 3 प्याज। प्याज को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकानी है, अधकच्चा प्याज रखना है। यहाँ पे हम डाल रहे हैं कुटी हुई अदरक, लहसुन और हरी मिर्च। बहुत ही बढ़िया से ये फ्लेवर देता है। यहाँ पे हमने 1/2 चम्मच डाला साबुत जीरा। ब्रेड पकौड़े बनाने का सबका अलग अलग तरीका होता है, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है, बहुत ही टेस्टी बनेगा। यहाँ हम थोड़ा सा डाल रहे हैं 1 चम्मच के करीब रेड चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, एक चम्मच चाट मसाले, स्वादानुसार नमक, प्याज के मसाले। यहाँ पे हम डाल रहे हैं 1/2 चम्मच के करीब आमचूर्ण। आमचूर्ण अगर आपके पास नहीं है तो आप 1 चम्मच नींबू का रस डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया स्वाद आएगा। प्याज के मसाले तैयार हो चुके हैं, तो अब हमने जो आलू मैश करके रखा हुआ है वो हम इसमें डाल दिए हैं, और गैस को थोड़ा सा लो करके कढ़ाई को बढ़िया से पकड़ के बढ़िया से इसको मिक्स कर देना है, ताकि प्याज का मसाला पूरे आलू में अच्छे से पहुंच जाए, क्योंकि चोखा में अच्छे से पहुंच नहीं पाता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अब हम तैयार करते हैं ब्रेड। उसके लिए बिल्कुल फ्रेश ये हमारा ब्रेड है, और इसे हम इस कोन में काट देते हैं, तिकोने शेप में। सारे ब्रेड को हम काट करके पहले रख लेते हैं। इस तरीके से बिल्कुल तिकोना तिकोना काट देनी है। अब हम बेसन का पेस्ट तैयार करते हैं। उसके लिए 1 कप के करीब डाल दिए हम बेसन, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक। अब इस पर कुछ भी नहीं डालना है, ये बस डालना है, हमारी सीक्रेट रेसिपी है, ये सीक्रेट टिप्स है। ये हमने डाला 1 चम्मच के करीब, यानी खाने वाले चम्मच से 1/2 चम्मच मीठा सोडा। जी हाँ, मीठा सोडा डालने से ऑयल कम लगता है, ऑयल कम सोखता है ब्रेड पकौड़ा। वैसे आप ब्रेड पकौड़ा जो नॉर्मली आप बनाएंगे ना, उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा सोख लेता है और बहुत अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि तेल पिया जा रहा है। तो अगर आप मीठा सोडा इसमें डाल देते हैं तो इससे 2 फ़ायदे, एक तो एकदम मुलायम और स्पंजी बनेगा, और दूसरी चीज़ कि तेल बहुत कम सोखेगा, आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल तेल इसमें लगा ही नहीं है। थोड़े थोड़े पानी डाल करके हमें इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार करना है। सोडा ज़रूर से डालिएगा, उसके बाद आपको लगेगा कि आप कुछ नया ट्राई किया आज। मिक्स वेल, कहीं भी गुठलियाँ ना रह जाए, इसलिए हल्का हल्का पानी डाल के बढ़िया से इसको फेंट देना है। आ रहे हैं ना बहुत बढ़िया से टेक्सचर, कहीं भी आपको लंक्स नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद पानी अपना लिक्विड फॉर्म में कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है कि पूरा बह जाए। आलू के मसाले ये ठंडे हो चुके हैं, इसको हमने थोड़ा सा हवा में रख दिया था ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, बहुत गर्म थी ये। अब इसे जो तिकोना हमने ब्रेड को काट करके रखा हुआ है उसमें ये मसाले डाल लेते हैं। दूसरे वाले साइड से इसे इस तरीके से सील कर देते हैं, बढ़िया से इसको प्रेस कर देते हैं, ज़बरदस्त।
ये देखिए हर तरफ से थोड़ा थोड़ा साइड से जो बाहर निकला है उससे बढ़िया से कर लेते हैं। पहले 3-4 इसी तरीके से करके तैयार कर लेते हैं, उसके बाद एक बार भी सारे को हम फ्राई करेंगे। ये देखिए अब इसे डिप कर देना है जो बेसन का पेस्ट हमने तैयार किया है उसमें। और देखिएगा अब जितना ऑयल है बिल्कुल लास्ट तक इतना ही ऑयल पड़ा रहेगा, और आप जो ब्रेड पकौड़े खाएंगे ना उसमें लगेगा कि आपने ऑयल का यूज़ ही नहीं हुआ है बिल्कुल। दोनों तरफ अच्छे से सेक करके बहुत जल्दी ये सेक कर तैयार हो जाती है और ये बहुत ज़्यादा स्पंजी है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी रेसिपी बन के तैयार हो चुकी है। और ये जो ब्रेड पकौड़ा अगर आप बनाएंगे ना तो आपको लगेगा कि आज आपने कुछ नया ट्राई किया है। वैसे ब्रेड पकौड़ा तो बहुत हम लोग खाए हुए हैं, स्लाइस खाए हुए हैं, लेकिन ये जो डिफरेंट तरीका है ना ये बहुत अलग सा इसमें स्वाद लाता है। और ये आप देख सकते हैं ज़रा सा भी इसमें ऑयल नहीं समझ में आएगा आपको, बहुत ही डिलीशियस है। इसको आप ज़रूर से बनाइए, पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में।